जो लोग बाइकर हेलमेट यूज करते हैं बाइक राइड करते टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हेलमेट पर, स्पेशली हेलमेट के इनर पोर्शन में गंदगी के वजह से, आपके पसीने के वजह से, बैक्टीरिया फॉर्म होने के वजह से एक बैड ऑडोर निकलता है, जिस बैड ऑडोर के साथ हेलमेट को पहन के बाइक राइड करना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, स्पेशली अगर वो राइड लॉन्ग राइड हो। तो हेलमेट को क्लीन करने के लिए और इस बैड ऑडोर से छुटकारा पाने के लिए आज हमारे पास है साइनेक्स प्रो ब्रांड का हेलमेट क्लीनर, और ये एक एंटीबैक्टीरियल फोम बेस्ड हेलमेट क्लीनर है। इससे आप हेलमेट के इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन दोनों को ही क्लीन कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक 120 ग्राम का बॉटल है और कंपनी क्लेम कर रहा है इस 120 ग्राम के एक सिंगल बॉटल से आप दो फुल साइज के हेलमेट को कंप्लीट क्लीन कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट मैंने खरीदा नहीं है, साइनेक्स प्रो ब्रांड ने ही मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट फ्री में मिला है दोस्तों। तो इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेस लिंक आपको मिल जाएगा, तो इसको यूज करके आपको दिखा देंगे। इसको यूज करने के लिए आपको जरूरत होगा क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ का। यूज करने से पहले बॉटल को आपको अच्छे से सेक कर लेना है, स्प्रे करना है आपको अप्रोक्स 6 to 8 inch के दूरी से। कंपनी द्वारा यह भी क्लेम किया जा रहा है ये हेलमेट क्लीनर हेयर और स्किन के लिए कंप्लीटली सेफ है। और दोस्तों यूज करने के टाइम यहां पर एक काफी बढ़िया क्वालिटी का फ्रेग्रेंस मुझे मिल रहा है। और आपको एक चीज ध्यान पर रखना है, यूज करते टाइम गलती से जो वाइजर है हेलमेट का, वाइजर पर स्प्रे ना हो। जैसे यहां पर देखिए स्प्रे करते टाइम वाइजर पर थोड़ा बहुत लगा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जानबूझ के आपको स्प्रे नहीं करना है। ये वाला चीज़ बॉटल पर कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अभी हेलमेट को स्प्रे करने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है, ये जो फोम है इसको सोक होने के लिए यानी डिजॉल्व होने के लिए टाइम देना है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत स्प्रे करना होगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं फोम लगभग डिजॉल्व हो चुका है, देख लीजिए। तो अभी माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करके स्क्रब कर देना है तो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है दोस्तों ये कोई गंदगी नहीं है, यहाँ पर फैब्रिक हेलमेट का मेरा डैमेज हो चुका था। अभी अंदर के पोर्शन काफी वेट लग रहा है, मतलब इसको आपको पहनने से पहले एयर ड्राई कर लेना है। तो ये क्लीन हो चुका है, अच्छे से क्लीन हुआ है दोस्तों, लेकिन हालांकि यहाँ पर डिफरेंस दिखाना पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा। तो बाहर के पोर्शन में दोस्तों हेलमेट का इतना टाइम देने का जरूरत नहीं है, अभी जितना मात्रा में डिसॉल्व हुआ है काफी है। तो इसको माइक्रोफाइबर से वाइप कर देते हैं, बस एकदम चकाचक क्लीन हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप।
यहाँ पर कुछ ग्लू वगैरह चिपका हुआ था, वो भी निकल गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्लू वगैरह चिपका हुआ है, स्टिकर लगाया था यहाँ पर, जी मतलब स्टिकर का एडेसिव है, स्टिकर रेसिड्यू देख सकते हैं, निकल गया। वाइजर पर थोड़ा बहुत जो स्प्रे हुआ था उसको भी हम वाइप कर देंगे। हेलमेट क्लीनर का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।